Assalamu alaikum dear students, welcome back xpacademy.com जहां पर आप AutoCAD उर्दू जुबान में step by step सीख रहे हैं. Dear students, आज के इस lesson में मैं आपको AutoCAD के अंदर text type करने का तरीका बताऊंगा, method बताऊंगा. Basically, जब हम लोग अपने पास कोई drawing complete कर लेते हैं या जब कोई drawing बना रहे होते हो, कई जगह पर आपको text की जरूरत पड़ती है mention करने की. तो इस लेसन में आपको बताऊंगा हमारे पास टेक्स्ट कितनी किस्म के AutoCAD के अंदर. बेसिकली AutoCAD के अंदर दो किस्म के हमारे पास टेक्स्ट होंगे. एक होगा मल्टी लाइन टेक्स्ट, एक होगा सिंगल लाइन टेक्स्ट. मल्टी लाइन टेक्स्ट अपनी जगह पर यूज किया जाता है, सिंगल लाइन अपनी जगह पर यूज किया जाता है, फिर इसके बाद इनकी फॉर्मेटिंग स्टाइल होता है. तो ये तमाम चीजें हम अभी इस लेसन में स्टेप बाय स्टेप देखने जा रहे हैं. तो आए स्टूडेंट्स, अपने AutoCAD को ओपन कर देते हैं. AutoCAD के ऊपर डबल क्लिक करें, आपका AutoCAD ओपन हो जाएगा. देखें डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास मेरा AutoCAD ओपन हो चुका है. हमेशा की तरह सबसे पहला काम फॉर्मेट के अंदर जाएं, अपने यूनिट्स को सेटअप्स बनाएं, क्योंकि जब तक आपके पास आपके यूनिट्स ठीक नहीं होंगे तो आप काम कर नहीं पाओगे. तो इस काम के लिए कोशिश करें शॉर्टकट UN यूनिट और D एंटर करने से आपके पास डायमेंशन आ जाएगा. वापस से मॉडिफाइड के अंदर गया, इंजीनियरिंग, फिर सरेंज, ओके और क्लोज कर देता हूँ. अब UCS आइकन को मैंने लॉक कर देना अपनी जगह पे. व्यू में जाएं, डिस्प्ले के अंदर जाएं और UCS आइकन को ओरिजिन कर दें. तो आए स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेसन. बेसिकली ये जो देखें आपके सामने टेक्स्ट नजर आ रहा है, ये मैंने मल्टी लाइन टेक्स्ट लिया हुआ है. अब हम कैसे लेंगे टेक्स्ट? आप टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर डालो, आपको कहेगा फर्स्ट कॉर्नर पॉइंट बताएं किधर है. तो आपके पास क्या होता है, आप जिधर भी क्लिक करते हो आपका फर्स्ट कॉर्नर होता है. देन आपसे ये अदर कॉर्नर पॉइंट पूछता है, तो आप इसको कहीं भी क्लिक कर दें तो उसका दूसरा पॉइंट होगा. अब आपके पास एक विंडो आ चुकी है, बॉक्स आ चुका है. यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास एक कर्सर ब्लैंक करती हुई दिखाई दे रही होगी, लेकिन ये बहुत छोटी है, शायद आपको ठीक तरह से दिखाई नहीं दे रही है. और यहां पर आपके पास टेक्स्ट वगैरह आ जाता है तमाम. अब जो भी आप टेक्स्ट टाइप करेंगे वो आपका इस बॉक्स के अंदर आएगा. तो मैं इधर टाइप कर देता हूं, मैंने टाइप किया AutoCAD. अब देखिए मुझको दिखाई नहीं दे रहा, तो आप उसको सिलेक्ट कर डालें. मैंने इसको सिलेक्शन दी. अब आप इधर आ जाए साइज में, देखिए साइज 0 है. तो अगर मैं यहां पर इसे 12 का साइज दे देता हूं, तो देखें डियर स्टूडेंट्स, अब मुझको ये कुछ नजर बेहतर आ रहा है. मैंने यहां पर टाइप किया AutoCAD. अब AutoCAD तो मुझे ठीक नजर आ रहा है, लेकिन मेरे पास जो उसका स्टाइल है वो ठीक मुझे नजर नहीं आ रहा. मुझे ये स्टाइल नहीं चाहिए. तो आपके पास ये टेक्स्ट स्टाइल होता है, आप इधर से कोई भी नया स्टाइल इधर से चूज कर सकते हो. मैंने कहा AutoCAD लर्निंग. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे मैंने लर्निंग कंप्लीट नहीं किया, ये खुद बखुद नीचे आ गया. मैंने लिखा लर्निंग NING, जैसे मैं इसके आगे डालता हूं तो ये खुद बखुद नीचे की तरफ आ जाता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे पास जो इसकी लेंथ है वो यहां तक है. अगर आप इसकी लेंथ को मजीद बढ़ाना चाहेंगे तो ऊपर आ जाएं, देखिए आपके पास आगे की तरफ एरो है और पीछे की जानब एरो है. आपके पास ये एरो है, इसको आगे या पीछे मूव करें, देखिए आपके पास विड्थ एरिया आपका कम या ज्यादा होता जाएगा. तो अब देखें जैसे आपके पास ये सिंगल वर्ड होगा, जैसे आप दूसरा वर्ड स्टार्ट करेंगे ऑटोमेटिकली ये आपके पास लाइन न्यू लाइन के ऊपर चली जाएगी, लेकिन जब आपका एरिया आपने बढ़ा दिया तो आपके पास ये आ जाएगा. मैंने इसको लिखा लर्निंग, AutoCAD लर्निंग विद xpacademy.com. अब मैंने इसका ये इधर टाइप कर डाला. आप इसको सिलेक्शन दे दें, इसको आप सेंटर ला सकते हैं, इसको आप मॉडिफाइड कर सकते हैं. इस तरह से अगर आपको इसके अंदर बुलेट्स वगैरह यूज करने हैं, नंबरिंग यूज करनी है, ये तमाम वही चीजें हैं जो आप किसी भी नॉर्मल सॉफ्टवेयर के अंदर करते हो. आप कोई कलर देना चाह रहे हो, आप इसको कलर दे सकते हो, आप इनको बोल्ड कर सकते हो और आप इसको ओके कर दो. अब क्या हुआ, अब आपने ये टेक्स्ट अपने पास फाइनल कर दिया, आपके पास ये टेक्स्ट इधर मेंशन हो चुका है. लेकिन अब आपको बार बार टेक्स्ट को यूज करना है. तो जब आप AutoCAD के अंदर काम कर रहे होते हो, आपको बार बार टेक्स्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, कॉपी की ऑप्शन लेंगे, सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इसे एक पॉइंट दे देंगे. अब अपने माउस को दाएं बाएं घुमाएं, तो मैं इसको इस तरफ ले आता हूं, मैंने इसको एक क्लिक इधर कर दिया है, दूसरा क्लिक में इधर कर देता हूं, तीसरा क्लिक इधर कर देता हूं. देखिए मुख्तलिफ क्लिक कर दें तो आपने इसको मुख्तलिफ जगह पर लेकर चले गए हैं. जेड स्पेस ई स्पेस लगाएंगे, जेड स्पेस ई स्पेस आपने लगा डाला. अब जो भी आपको टेक्स्ट चेंज करना है उसके ऊपर जाकर जस्ट डबल क्लिक कर डालें. आपने डबल क्लिक किया, इधर चले जाएं और यहां पर आप इसे अपना टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं. मैंने अब कहा नदी अहमद,
ये देखें, जैसे ही मैंने इसको नेक्स्ट टेक्स्ट दिया, ये खुद बहुत नीचे आ गया और इसको सेंटर कर डाला। तो ऑटो कैड के अंदर आप एक मरतबा सिर्फ एक टेक्स्ट को सेटिंग करोगे, उसके बाद उसी को आप कॉपी करके दाएं बाएं लेकर चले जाएंगे। ये तो था मेरे पास मेरा मल्टी टेक्स्ट। इसके मेरे पास जो शॉर्टकट है वो क्या है, टी। टी एंटर करें तो आपके पास आपका मल्टी टेक्स्ट निकल कर आपके सामने आ जाता है। देन मेरे पास जो ऑप्शन आ रही है वो है ड्रॉ किधर जाए, वापस टेक्स्ट के ऊपर आ जाएं। हमारे पास दो किस्म के टेक्स्ट हैं, एक टेक्स्ट है और एक है सिंगल लाइन टेक्स्ट। मल्टी लाइन टेक्स्ट तो मैंने आपको बता दिया, सिंगल लाइन टेक्स्ट के ऊपर चलते हैं। सिंगल लाइन टेक्स्ट के ऊपर जैसे मैंने क्लिक किया, सबसे पहले आपको बताएगा आपका स्टार्टिंग एरिया कौन सा है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, कहां से आप टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहेंगे। मैं कहता हूं मैं यहां से टेक्स्ट स्टार्ट करना चाहूंगा। देन कहता है टेक्स्ट की आप हाइट क्या रखोगे, ये जो टेक्स्ट है इसका साइज क्या होना चाहिए आपके पास। मैंने कहा मेरे पास वो होना चाहिए 1 फिट्स का, ठीक है। अगर आप इसको कोई एंगल देना चाह रहे हो, बाय डिफॉल्ट 0 का एंगल होता है, मीन बिल्कुल सीधी सीधी लाइन। मैं कहता हूं नहीं, मुझे थोड़ा सा टेढ़ा टेक्स्ट चाहिए, और मैं से कहता हूं मुझे 45 के एंगल पे चाहिए। आपने 45 का एंगल ले लिया, अब आपके पास आप टेक्स्ट टाइप कर दे। मैं से कहता हूं xpacademy.com। देखें डियर स्टूडेंट्स, मैंने जैसे टेक्स्ट टाइप किया तो मेरे पास ये टेक्स्ट इधर बना हुआ आ गया। लेकिन अगर आप देखें यहां पे मैं इसको एंटर कर देता हूं तो मेरे पास ये लाइन खत्म हो जाएगी। अब मेरे पास ये सिंगल लाइन है। अब मैं इसको दोबारा डबल क्लिक करूं तो मेरे पास जस्ट टेक्स्ट चेंज करने की ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इधर आप आ जाए मल्टी लाइन के ऊपर, जब आप डबल क्लिक कर डालते हो तो आपके पास तमाम फॉर्मेटिंग भी यहां पर मौजूद रहती है। इसी तरह से ऑटो कैड के अंदर अगर आप डबल क्लिक करें तो देखें आपके पास यहां पर कहता है स्टैंडर्ड। तो ये क्या है, बेसिकली ये आपका स्टाइल होता है जो आप खुद बनाते हो, बाय डिफॉल्ट ये स्टैंडर्ड होता है। अगर मैं ये खुद बना दूं तो कैसे बनाऊंगा, फॉर्मेट के ऊपर जाऊंगा और मेरे पास इधर होगा टेक्स्ट स्टाइल। टेक्स्ट स्टाइल में जाके सबसे पहले मैं देखें यहां पर मेरे पास एक ही है स्टैंडर्ड है, तो मैं इधर क्लिक कर देता हूं, न्यू के ऊपर मैंने क्लिक किया। मैं इसको नाम देता हूं, मैंने कहा माई एस टी, मैं इसको माई एस टी का नाम दे देता हूं, ठीक है। और ये कौन सा होगा, इसके अंदर टेक्स्ट का स्टाइल आप कौन सा रखेंगे। मैं इसके अंदर टेक्स्ट का स्टाइल रखना चाहूंगा एरियल ब्लैक, तो एरियल ब्लैक मैंने दे दिया। अब देखिए आपके पास ये शेप ऐसे दिखाई दे रही है। बाय डिफॉल्ट जो कम से कम आप इसकी हाइट लेना चाहेंगे वो इसे देना चाहता हूं 1 फिट और 6 इंच, यानी कि 18 इंच की मैं इसे हाइट देना चाह रहा हूं। अप्लाई करके क्लोज कर दें। अब आपके पास यही टेक्स्ट है, इसके ऊपर डबल क्लिक कर डालें। मैंने इसको सिलेक्शन दे दिया, यहां पे इधर आ जाए। अब देखें दो चीजें, माई टीएक्सटी है, जैसे मैं दूंगा आप देखिएगा आपके पास फॉन्ट नेम चेंज हो जाएगा और आपका स्टाइल, आपकी टेक्स्ट की हाइट भी चेंज हो जाएगी। मैं इधर आ गया हूं और जैसे मैंने इसको क्लिक किया, देखा दोनों चीजें मेरे पास चेंज हो चुकी हैं। अगेन हाइट का मसला बन गया विड्थ का, तो आप इसको बढ़ा दें आगे की जानब। देखें और मैं इसको ओके कर देता हूं। जैसे मैंने इसको ओके किया तो मेरे पास ये मेरा टेक्स्ट बना हुआ आ चुका है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारे टेक्स्ट का लेसन। मजीद मालूमात और अपडेट के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.xpacademy.com, जहां पर तमाम कंप्यूटर कोर्सेज आपको फ्री ऑनलाइन करवाए जाते हैं। कोर्स कंप्लीट होने के बाद एंड में आपको xpacademy.com की तरफ से एक सर्टिफिकेट इशू किया जाता है, जिसकी हार्ड कॉपी आपके बताए हुए एड्रेस के मुताबिक आपको भेज दी जाती है। इसके अलावा किसी भी मालूमात के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं xpacademy@ymail.com, या आप हमारी हेल्पलाइन पे हमें कॉल कर सकते हैं 0343-901-7779 पर। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, इन तमाम वीडियोस की हमारे पास मास्टर कॉपी भी अवेलेबल है जो DVD प्रिंट में है। अगर आपको वो चाहिए तो उसके लिए भी आप हमें इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेसन फिर मिलते हैं, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।